अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज फिर से उज़्मा करेगी मेरा शूट, लेकिन थोड़ा करूंगी। हाँ, थोड़ा करूंगी। क्यों, थकी हुई आज? अरे तो मैं तो सोची थी बाहर जाएंगे, मार्केट जाएंगे, 5 नंबर जाएंगे उज़्मा के लिए कपड़े खरीदेंगे, तो नहीं जाने का आज? जाने का ना। उसकी बॉटम से ना सारी मतलब सिलाई खुल गई है, तो उसके लिए बॉटम्स भी लेना है। बेचारी कब से बोल रही है मुझे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने चलो ईद की शॉपिंग के लिए जाएंगे ना जब भी। वैसे भी अगर मैं आज भी गई तो इस टाइम तो मैं ये धोखा बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ कि पहली बार मार्केट जाओ और पहली बार में जो दिखा वो लेकर आ जाओ, क्योंकि मुझे एक स्ट्रैटेजी समझ में आ गई मार्केट की कि रमज़ान के 10वें रोज़े के पहले लो तो कपड़े बहुत महंगे मिलते, 20वें रोज़े के पहले लो तो थोड़े सस्ते मिलते, फिर 30वें रोज़े के मतलब चांद रात के पहले लो तो थोड़े और सस्ते मिल जाते, लेकिन एकदम चांद रात को कपड़े लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलते, क्योंकि तब तक के दुकानदारों को समझ में आ जाता है कि कल के बाद तो बिकने वाला है नहीं। मतलब डिफरेंस इतना आता है, 900-1000 का डिफरेंस आता है एक कपड़े के पीछे, अगर ढंग का कपड़ा हो। मैंने ना सोच के बैठू कि मैं ये चीज़ गलती बिल्कुल नहीं करना। लास्ट में शॉपिंग करेगी डायरेक्ट? क्या लास्ट में शॉपिंग करेगी? नहीं देखूंगी मैं। क्या होता है पता है, मैं आप लोगों को बताऊँ, स्टार्टिंग में क्या होता है, एक तो पुराने कलेक्शन ही खरीदना पड़ता है, नए माल आता नहीं है, ये सोच के लेते हैं। लेकिन फिर बाद में मैंने सोची अगर रेडीमेड ही लेना है, बच्चों का कौन सा अपन सिलाने के लिए डाल रहे हैं, रेडीमेड ही लेना है तो आखिरी के जो 10 दिन होते हैं ना, मतलब 21वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक के, तब नए कलेक्शन आते हैं। तुमने ये चीज़ नोटिस की? ये भी नहीं कहना, प्राइस का मैंने नोटिस किया है। डिफरेंस आता है कि नहीं? 500 से लेके 1000 तक के डिफरेंस आते हैं, डिफरेंस आता है। तो अपन ईद के लिए चप्पल जूते हर एक चीज में फर्क आता है। पहले तो चलो अपने को जल्दी कपड़ा वो खरीदो जो अपने को सिलाने डालना है, बट जो चीज़ मालूम है अपने को रेडीमेड ही बच्चों को लेके पहनाना है तो फिर क्यों? और अपन बच्चे लोग के लिए एक ड्रेस तो लेते हैं नहीं, 2 से 3 जोड़ी लेते हैं, तो कम से कम 2 से 3 जोड़ी के पीछे एवरेज अगर 500 रुपये पकड़ो तो 1500 का लॉस तो गलत है ना ये चीज़। तो ये चीज़ मुझे अक्कल आ गई है, जाते रही हूँ मार्केट, लेकिन एकदम ही बिल्कुल एकदम दिल को छू लेने वाला ड्रेस दिखेगा जो मार्केट में एकदम यूनिक है, तो चलो 500-1000 रुपये गया भी तो कोई गम नहीं। हाँ, लेकिन मार्केट में अक्सर हमारे 5 नंबर पे क्या होता है, हर नेक्स्ट शॉप पे वही सेम कलेक्शन होता है, सेम कलेक्शन हर नेक्स्ट शॉप पे सेम कलेक्शन, तो फिर वो वर्थ नहीं होता। हाँ, एकदम ही यूनिक पीस दिखा जो मालोनी में उस वो पीस के अलावा और कोई नहीं है तो देखते तब खरीद लूंगी। आप लोग सोच रहे हैं बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठी, लेकिन हकीकत में लास्ट टाइम भी हम लोग जब 2 साल पहले कुर्ला गए थे, कुर्ला कितने साल पहले गए थे? 2 साल पहले कुर्ला गए थे, तो कुर्ला गए, कुर्ला ज्यादा महंगा था मालवनी से, लेकिन एक ये चीज थी कि वहाँ पे कलर ऑप्शन मिल गए थे। मालोनी में ज़्यादा कलर ऑप्शन नहीं थे, लेकिन वहाँ पे कलर ऑप्शन मिल गए थे, जो चीज़ मालोनी के अंदर हम लोग को लास्ट के 10 डेज पे सेम जोड़ी लास्ट के स्टार्टिंग के डेज में हम लोग को 900 रुपये सूट मिल रहा था, वो लास्ट के 10 डेज में हम लोग को यहाँ पे 600 रुपये में हो गया था ड्रेस, और हम लोग को वही चीज़ कुर्ला में 1100 रुपये की पड़ी थी, है ना? हाँ, पिकॉक ब्लू कलर का। तो ऐसा तो इतना अक्कल आई है वो भी बहुत टाइम के बाद। तो चलो अगर आ गई है तो फिर फिजूल खर्ची क्यों करना, मैंने एक बारी को सोच के बैठी हूँ। उसमें चल मेरा शूट कर बेटा, अम्मी ने मेरे लिए भिजवाए हैं फिर से ड्रेसेस, वो ड्रेस चेंज करवा के, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने सुना होगा अम्मी लोग जाने वाले थे 11 बजे मार्केट, तो उन्होंने मेरे लिए मेरे पसंद का कपड़ा लेके आए, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो उन्होंने पूरी की पूरी थैली भेज दी है कि इसमें से तू ड्रेस चेंज पसंद कर ले, और मेरे को वो 2 ड्रेस लेने बोले। देखो बनता तो एक ही था लेकिन वो महंगा वाला था, तो मैं बोली थी अम्मी को देखो अम्मी इतना महंगा ईद में लेकर तो कोई मतलब नहीं, अपन एक बार पहनेंगे फिर बाद में रह जाता है वो, अभी रियाज की शादी का भी इतना सारा कपड़ा है, मतलब नए कपड़े इतने सारे हैं कहाँ वैसे के वैसे पड़े रहते। मैंने बोली थी अम्मी मेरे पसंद का ना ऐसा ऐसा जैसे तुमको बताई हो ना वैसा लेके आना, तो अम्मी ने मेरे लिए एक नहीं 2-2 लेके आया, अभी इसमें से चूज करूंगी मैं। उसमें आ जा जल्दी, आ जा जल्दी। आज मेरी तबीयत ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फटे तक का सर दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है कोई नहीं, अभी मैंने गोली खाई हूँ फटे तक का मतलब सर फटता ना ऐसा लगता है अभी फट जाएगा सर, वैसा पेन है मुझे अभी भी, लेकिन मैं उस अरे माँ पकड़ कैमरा। हेलो, हाँ श्योर, हाँ। सो गाइस इस बार 15 रोजे होने आ रहे हैं और हम लोग अभी तक के मार्केट नहीं निकले, मैं कपड़े देखो मेरी तरफ तो करना बेटा, इस टाइम हम लोग बिल्कुल मार्केट नहीं निकले, मैं एक बार भी मार्केट के लिए नहीं निकली हूँ, आज जाऊंगी इंशाल्लाह। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने कल ये देखा था ना, हाँ। मैंने पहले ही देख ली थी, ये वाला ड्रेस भी कल दिखाए थे, ये वाला ड्रेस भी कल दिखाए थे और ये वाला ड्रेस भी कल दिखाए थे, मुझे पूछे थे इसमें से कोई पसंद है तो ले ले, मुझे तो पसंद आ गया था क्योंकि इसका फैब्रिक, इसका दुपट्टा, इसका सब कुछ मुझे पसंद आया, लेकिन बात वही हो जाती है ये भी मेरे कबर्ड में बहुत सारा ये कलर पड़ा हुआ है, ये भी मैं कंटिन्यूसली पूरे साल में ईद से लेके सबकी शादी में भी मैंने इसके आसपास का ही कलर पहना है, येलो भी कहीं ना कहीं कोई हद तक, ये वाला कलर मुझ पे इतना सूट नहीं करेगा जहां तक मुझे लगता है, ये बहुत ज्यादा लाइट हो रहा है, तो
तो इसके लिए मैंने मना कर दी थी अम्मी को। मैं बोली नहीं अम्मी तुम जा रहे हो तो लाल कलर का ही मेरे लिए लेके आना। तो देखो अम्मी ने ना मेरे लिए लाल कलर का ड्रेस लेके आए। उसे मैं खोलने जा रही हूँ बेटा, खोलू ना कैमरा साफ। अम्मी कपड़े दिखाने के चक्कर में आप पूरे नहीं दिखेंगे तो चलेगा। तो जैसे ही आपके भाईजान ने ये कपड़े लेके आके वहाँ रखे तो मुझे अभी बोले ना कि अम्मी ने सारे कपड़े भिजवाए हैं ना, जो तू चेक कर ले तेको कौन सा चाहिए। थैली ठीक है, और मैंने थैली में नजर डाली ना उसमें खड़े हो बेटा पूरा अच्छे से दिखा पाई। अम्मी कितना सुंदर ड्रेस है ये ना, तो सबसे ऊपर ये रखा था तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ये वाला रखूंगी करके। ठीक है ड्रेस नहीं लग रहा है, दुपट्टा नहीं ये सिलेगा। थोड़ा नजदीक ला, मैं जो दिखा रही हूँ दिखाने का। ये देखिए ये ना एम्ब्रॉयडरी है, पूरा थ्रेड का काम है, व्हाइट कलर का ये जो देख रहे हैं आप ना, ये ये गोल्ड वाला जो है ना, मेरी उंगली दिख रही, ये फॉइल प्रिंट है, बांदरी, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेन अच्छा लगने की वजह उज्मा तो कैमरा मत ही लो, ठीक है ये इस पे रख। तो ये तो मुझे अच्छा लगा। दामन में ये जो है ना ये व्हाइट कलर का चिकन का फैब्रिक लगे हुआ है, मुझे बहुत पर्सनली मुझे ये देखते साथ ही बहुत अच्छा लग गया है। इसकी जो ये है पैंट है, मतलब पैंट का कपड़ा है, बॉटम का कपड़ा थोड़ा ये लाइट जा रहा है कपड़े के हिसाब में, लेकिन हाँ। चलेगा है ना बेटा, लाल नहीं है ये, थोड़ा अलग जा रहा है दुपट्टा पिंक है अम्मी वो डार्क पिंक, लेकिन चलेगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा। तो ये एक सूट मुझे अच्छा लगा, मैं ये रख रही हूँ। मैं पहले ही डिसाइड कर दी थी, तो मैं ये पहले ही डिसाइड कर दी थी कि मैं ये लूंगी, लेकिन फिर बाद में आपके भाई निकता ये बात। अंधेरा अंधेरा लग रहा है कैमरे में। तो इफ्तारी के बाद इन्होंने मुझे बोला कि ना एक नहीं दो जोड़ी बोले अम्मी ने पसंद करा, मैं हो गई खुश, क्योंकि मैंने कल रियाज ने मुझे पूछा हाँ ये तीन ड्रेस अगर तेरे पास है ऐसा कलर तो तुझे ग्रे चलेगा, मैं बोली हाँ। तो उसको मालूम था शायद से दुकान में ग्रे है, तो लोग ने मेरे लिए ग्रे भी लेके आ गए। ये देखो ये है, ग्रे नहीं लग रहा अम्मी, दिख रहा है वाह वीडियो में दिख रहा हाँ। ऐसा है, मैं ये खोल के बताती हूँ। एक फोटो भी खींचना उसमें दूर से जरा, कौन सी हमारी मेरी ऐसी ऐसी खींच खींच पीछे से जा पूरा खींच ऐसी छा है ऐसे खींच ली हाँ। तो एक ये वाला ड्रेस मंगा लिए है ग्रे कलर का, ये देखिए ये कितना सुंदर है, इसको भी सिलाएगा ना हाँ। और ये नानी के हिसाब का लग रहा है। और ये है इसका दुपट्टा, उसका पीछे जो बेटा अम्मी कितना मजा आता है आपके काम में, और आप बोलते हो सर दर्द होता है। फोटो खींच ठीक है, सीधी फोटो खींच हाँ, अंगूठा रख के सीधी ठीक है। अभी हाँ एक ये वाला भी हाँ खींची, क्या खिंचाव आया दिखाने लगते हाँ खींची ना हाँ खींच उस भागो परेशान कर दूंगी मैं तो। अरे कुछ भी सीधी के सीधे टेढ़ा है फोन ऐसे ना हो जाए इसका क्या हाँ। चल मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार सच्ची में, थैंक यू अम्मी। मुझे ग्रे कलर भी बहुत अच्छा लगा, मेरे पास ऐसा था ग्रे एंड व्हाइट मैं पहनती थी उसमें, देखो याद है ग्रे एंड व्हाइट कलर मैंने पहना था, प्लाजो सेट था मेरे पास, वीवर लोग को याद रहेगा मैंने मीशो से लिया था, मुझे नहीं मालूम और मैंने मीशो से लिया था, बहुत अच्छा था वो भी। तो गाइस बस मैं इसको रखती हूँ, और ये भी मैं अम्मी को ही भिजवाऊंगी, मैं कपड़े का माल लेके अम्मी टेलर को दे देंगे सीने के लिए। सो चलो मैं तो डायरेक्ट ले ले मैं तो डायरेक्ट कपड़े लेती हूँ, तुम्हारे डायरेक्ट कपड़े लेती हूँ, क्योंकि देखो बाहर जाती है तुम्हारा टेलर लोग वही अभी ये टाइम लेता कोई कपड़ा तुमको ना ईद के घर में पहले अच्छे कपड़े इंशाल्लाह ई आई ई ले लाऊंगी बस ठीक है। पैंट का कपड़ा भी कितना अच्छा 100% कॉटन है, और मुझे ऐसे कपड़े बहुत कॉटन है ये, मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं मतलब सॉफ्ट का, मुझे ऐसे बहुत अच्छे। आजम क्या कर रहा है जाके आजम को दिखा जा, जाके आजम को दिखा जा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, इसने फ्लेयर ऑफ फ्रेश, अस्सलाम वालेकुम या अच्छा अच्छा ऐसे आजम आजम कपड़ा नहीं बदलवा मम्मा, ये कपड़े पे चलेंगे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अम्मी ये देखो सुपरमैन सुपरमैन। तो ये कपड़े अम्मी को कब रिटर्न करने जा रहे हैं? चल
ये कपड़े लेके आई हूँ, मैं अपने माप के कपड़े भी लेके आई। मैं बोली अम्मी को दे दूंगी तो अम्मी सिलवाने डाल देंगे मेरा, फटाफट कोई टेंशन नहीं रहेगा, चलता रहे मेरी शूटिंग कैसी भी हो जाती रहे। शुरू लाइट लगी भी अपने तो यहाँ तो क्या बराबर। मैंने माप के कपड़े भी लेके आई, लेकिन अम्मी जरा कुछ बाहर काम से गए थे, ये लोग भी टेलर के पास गए ना। हाँ, लोग भी टेलर के पास। तो ऐसा खैर कोई दिन इंतजार कर रहे, आ रहे बोले 5-10 मिनट में, तो फिर मैं निकल गया। हाँ आज भी मेरी बच्ची ने मेरा कल का पूरा शूट उसने की थी मेरा कल जो बेटी। हाँ आज भी मेरा शूट उसने किए पूरा। सो गाइज मैं आ गई और अम्मी भी आ गए, देख रहे हो आप लोग। अम्मी को बता दिया मैंने, मेरा कपड़ा भी अम्मी सिला के देंगे मेरे को। मैं ईद में तो पहनूंगी लाल वाले, अगर सही से सिल के आ गया तो इंशाल्लाह। सलाम करना, सस्ते मद्दे से कोई लेना देना नहीं है, इसको कपड़ा ठंडा रहना चाहिए, कॉटन का रहना। हाँ मैं तो बोलती हूँ ना कि मुझे ना ऐसे कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये वाला जो है ना, ये फैब्रिक, ये क्रेप फैब्रिक है या रियॉन फैब्रिक है या ये कॉटन फैब्रिक है, ये तीन कपड़े ना मेरे एकदम मतलब जान के करीब है। अरे ये जैसा खोला ना उसने, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, भूल गए थे ना, ये जो है ना खोला था ना उसने, इसमें सिर्फ 6 पीस थे और जैसा चैन खोला वैसी मैंने पूरा खींचा, हम लोग 6 बांट लेंगे, तू मत निकाल इसमें। लेकिन ये अलग से लेके आया ना फिर वापस जाके, नहीं ये गिरे वाला छोड़ दी थी, उसने बोला था कोई ले रहा है तो हमने 5 उठा लिए थे, लेकिन अब जब तेको 5 नहीं पसंद आया तो हमने फोन करे उसको फटाफट कि वो गिरे वाला वापस रख, मैं कल आ रही ले लूं, तो रखा आंटी टेंशन मतलब, फिर ये लेके आई सब बांट दी, ये अभी मेरे लिए नहीं बचा। अब मैंने उसको बोली कि मेरे को भी सेम चाहिए, ग्रे नहीं, यही चारों पांचों कलर। अच्छा सब दिला दे, खत्म हो गया ये कपड़े, खत्म हो गए। तो उसने बोला आंटी तुम एक काम करो, तुम्हारा ईद का ड्रेस आ गया ना, ये 4-5 दिन जाने दो, मैं ये पूरा 6 का सेट वापस मंगाता हूँ, फिर तुमको फोन करता हूँ। मैंने पूरा 6 का सेट मुझे दे देना, मैं रख दूंगी, क्योंकि इसके दुपट्टे बड़े अच्छे लगे मुझे, और ना ना वो वरलाक वरलाक करने की जरूरत नहीं, और एकदम चौड़ा है माशाल्लाह आंख भर के उड़ने के लिए, और कॉटन का कपड़ा अच्छा है। सही बात है इसके लिए। लेकिन कल वाला जो गरारे वाला मेरा वीडियो देखे तुमने, पिंक और गरारे वाला, येलो कलर मुझ पे कितना अच्छा लग रहा था ना, लेकिन वो कपड़ा बहुत अच्छा था, मुझे भी तो अच्छा लगा था, पर प्रॉब्लम यही आ रही ना, देखे नहीं कितना बड़ा हो रहा था मैं बोली, मैंने टेलर का जब चक्कर ही काटना है तो फिर मैं सूट भी सिलाऊं, और फिर ऐसे कपड़ों का लोग सिलाई भी ज्यादा लेते, नहीं बोले नहीं नहीं, अरे कहाँ 750, ऐसे कपड़ों का ना इससे कितना लिया था, 1000 रुपए लिया था ना। हाँ 1000 रुपए लिया था उसने, अभी बेसिक कपड़ा है, इसकी ज्यादा सिलाई नहीं रहेगी क्योंकि ना तो इसमें अस्तर लगने वाला है ना कोई पैटर्न करने वाला है। हाँ नहीं पसंद आते, मुझे भी नहीं पसंद आते, लेकिन देखो ये जो अभी तुमको दी ना मी अस्तर वाला है, तो उसको बोलना भाई देख ध्यान से माप लेना बोल के। नहीं 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 ठीक है। हाँ मेरे को ना ज्यादातर है ना कंफर्टेबल है ना बिना बिना अस्तर वाले कपड़ों में मुझे कंफर्टेबल आता है, एक तो सिलाई कम लाती है, ऊपर से बदन को ना चुपता विपता नहीं इधर से उधर से। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, मेरा तो कपड़ा सिलाने में कोई नाटक ही नहीं रहता है कि मेरे को आस्तीन में पैटर्न चाहिए, मेरे को गले में पैटर्न चाहिए, मेरे को सलवार में पैटर्न चाहिए, मेरे को ये पैटर्न चाहिए, मेरे को वो पैटर्न, फिर भी मेरे को ढंग से कपड़े सीखे क्यों नहीं मिलते। वो टेलर लोग ना फिटिंग से सीने जाते हैं और देखो ना लूज चाहिए रहता है। नहीं तो क्या मेरा दिल टूट जाता है जब देखो टेलर लोग बोलते सब आते हमारे पास फिटिंग सिलाने, आप आती है झगड़ा करने के, लूज क्यों मिलती है, ऐसा प्रॉब्लम है इसको उल्टा है। चलो अभी मैं निकलती हूँ, अम्मी मैं जाती जाके आती मेरी बच्ची के लिए थोड़ा देख के आती हूँ। बहुत गर्दी है मार्केट में, मैं मार्केट नहीं गई थी भैया, टेलर के पास, टेलर के पास गए थे, मैं टेलर के पास गई थी रियाज के औरत के कपड़े डालने, क्योंकि सभा के नूर के पहले चले गए, तो आज मैं अपनी इसके भी डाल देती हूँ, और जीनत को तो हमने एक रेडीमेड ही चाहिए कर लिए, तेरा एक बाकी था तो मैंने अभी इसको बात करके, मैं अभी 4 जोड़ी ला रही हूँ अच्छे से सी के देना, बोले लाके दो आज कल में फटाफट आ भी सकता है, अभी जान छोड़ो वो देता है बेचारा मेरे को, तभी ले जाके दूंगी ना सीने तो भी देता है ना। चल अच्छी बात है, आजम कहाँ गया वो सुबह में, मैं नहाने जा रही हूँ, जा मत बोलता ले गोद में। हाँ आजम आजम मम्मी, मैं अभी आऊंगी यहाँ पे बाइक सीखने के लिए, आजम मम्मी, ओ मम्मी रमजान के बाद मैं भी बाइक सीख रही, क्या बात कर रही। हाँ इंशाल्लाह, अरे दो ताली यही पे आऊंगी, आजम तुम ही संभालेंगे, आजम को तुम संभालेंगे और बाहर मैं बाइक सीखूंगी इंशाल्लाह। हाँ ना तो एक ही चीज होती ना, ये पहला बच्चा हुआ फिर सीखूंगी, बोले तो फिर बच्चों को कोई देखने वाला नहीं, तो सिखाती है ज्यादा थोड़ी, अभी आजम छोटा है तो मेरे चले माशाल्लाह पूरा राउंड मारती है वहाँ से लेके। कितना टाइम लगा ईद के कपड़े? हाँ, ये हाँ। चलो कपड़ा चप्पल पहनो,
देखो ग्रीन कलर बहुत ज्यादा पसंद है सबा कलर निकाली थी लेकिन ये इसके हर कपड़े में देखो दूसरा भी हम दोनों की पसंद अबे क्या है बे ग्रीन ग्रीन हाँ कम से कम एक रेड ले नहीं अच्छा अच्छा दोनों अलग है मतलब हाँ दोनों अलग है अरे ये तो नाचो इतना बढ़ेगा ना ये ऊपर रखने की जगह नहीं है ये आप किसी शादी में पहने थे अभी जीने नहीं नहीं ये वाला कलर पहनी थी लेकिन वो गाउन था हाँ गाउन था पर कलर बोल हाँ ये वाला हाँ जीने की शादी और कित और बोले डार्क लाइट बेटे दोनों सेम ही है अच्छा सुनो वो हुआ ना जीनी जी का निकाली में ये क्या है तुम लोगों का सब आसपास इस तो है रे ये भी तो जीनी की शादी के रंग पे मैंने बनी थी वली में अरे ये सब ये भी हाँ तो ऐसा तूने भेजवाई थी ना ऑप्शन में अगर आप आपको पसंद आया तो ले लो बोल के चल कोई और कुछ नहीं अंदर कितना जोड़ी थी टोटल ना चार हुए ना टोटल चार जोड़ी ली सही है ये पूरे मतलब हम लोग ही जाके लिए मामा मेरे लिए पहले से लेकर आए थे झारखंड उनके लिए भी लेकर बराबर माशाल्लाह ये मेरे को ये वाला कलर सब बहुत अच्छा लगा दी इसका ड्रेस भी बहुत प्यारा है मामा बहुत अच्छा है ना सही है माशाल्लाह अभी निकला सो है रिसेंट अच्छा अमी तुम कल 5 नंबर रात को गए थे तो गर्दी थी 11 बजे हाँ गर्दी नहीं थी ना तो चलो फिर मैं निकलती हूँ चलो अभी मैं यहाँ से चलती हूँ आज तो मेरी सारी वीडियो ऐसे बैक कैमरा पे बनी है नहीं घर पे बनाई ना मैं फ्रंट कैमरा पे क्योंकि जब से मेरा हाथ ना ऐसे सर पे चे मैं सर दबा रही अपना सर दबाते दबाते बात कर रही सबसे मेरा सर सही में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन बच्ची के लिए जाना पड़ेगा मार्केट जाना कैंसिल भी कर सकती हूँ लेकिन जाना जरूरी है वो बच्ची अलग ही सोच रही बोले अम्मी के पीछे इतने दिन से बोल रही है अम्मी मेरे लिए कपड़े नहीं ले रही तो जाना जरूरी है बहुत रिक्वेस्ट कर रही है अम्मी मेरे लिए पैंट ले लो प्लीज अच्छा तो हम लोग आए हैं 5 नंबर पर और अभी भी बहुत गर्दी है रात के बज रहे 11